Hey my lovely people, welcome back to Rashmi Singh Vlogs. So guys, कैसे हैं आप सभी? Let me introduce to those who are new on the channel. मैं हूँ रश्मि सिंह और मैं हूँ किडनी रेसिपेंट. एज ए किडनी रेसिपेंट मैं शेयर करती हूँ अपने व्लॉग्स में और रेसिपेंट के जो मेडिकेशंस होते हैं, एक्सपीरियंस होता है ट्रांसप्लांट के बाद प्लस ट्रांसप्लांट के पहले की लाइफ को, बहुत सारी चीज़ें, अपनी डाइट, मेडिकेशंस, अपनी रूटीन, डॉक्टर्स के फॉलोअप और भी चीज़ें जिसके आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिलते हैं मेरे व्लॉग से. सो गाइज, हमेशा मेरे व्लॉग्स को देखना बिल्कुल भी ना भूलें. तो वेल, आज का जो है रैंडम क्वेश्चन से व्लॉग है, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे थे और जब आप मैसेज करते हो, रिप्लाई करते हो, तो क्वेश्चंस और भी ज़्यादा आने लगते हैं उनके. तो गाइज, इट विल बी गुड. मैंने सोचा कि मैं खुदा के क्वेश्चन आंसर का एक व्लॉग डालूं, जिससे आपके जो आंसर्स हैं वो हैं और डिटेल में आपको मिल सके. तो मैं कोशिश करूँगी हूँ कि अधिकतर मैं क्वेश्चंस जो है कवर कर सकूँ. जो है वीडियो को मैं लंबा ज़्यादा नहीं बनाना चाहती, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ज़्यादा लोग जो है वीडियो बहुत लंबा देख देखते बोर हो जाते हैं. तो मैं कोशिश करती हूँ हर टाइम जो है कुछ नए क्वेश्चंस पिकअप करूँ और उन्हें मैं रिप्लाई करूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. यहाँ पे है जो पहला क्वेश्चन है वो है रेहान का, जिन्होंने मेरे से रिसेंटली पूछा था कि मैम आपका ट्रांसप्लांट कब हुआ है और आपका क्रिएटिनिन अभी जो है वो कितना है. मैंने इनको रिप्लाई भी किया था एंड आफ्टर दैट अगेन उनका ये क्वेश्चन आया कि इनका ट्रांसप्लांट जो है 1 अप्रैल को हुआ है, बट स्टिल जो क्रिएटिनिन लेवल है अप एंड डाउन हो रहा है. इट मीन्स 1.8 है और जिसको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में है. तो रेहान, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी जो है आपका ट्रांसप्लांट रीसेंट हुआ है, इट्स जस्ट लाइक 1 मंथ. तो 1 मंथ बहुत ज़्यादा नहीं होता है. इवन आपको पता है कि जो 3 मंथ्स आफ्टर ट्रांसप्लांट पीरियड हमारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा रिस्की होता है और इस टाइम हमें इन्फेक्शन के अधिकतर चांसेस होते हैं. इस टाइम हमारे टैक लेवल्स, क्रिएटिनिन लेवल्स, ये सारे लेवल्स जो है ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होते हैं. इसीलिए हमें डॉक्टर्स जो है कंटिन्यू फॉलोअप के लिए बुलाते हैं हर वीक. सो मेरे केस में तो ये था, आप अलग अलग स्टेट में हो, अलग अलग जगह हो, अलग अलग हॉस्पिटल्स से आपके डॉक्टर्स हैं, तो आई डोंट नो कि सबके डॉक्टर्स कितने टाइम फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, बट जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है 3 मंथ्स तक लगातार जो है फॉलोअप के लिए हम भी गए थे हर वीक, कभी कभी 10 डेज बाद, बट फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है क्योंकि इस टाइम फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं. तो अगर क्रिएटिनिन आपका 1.8 अभी भी आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है अगर ज़्यादा सीरियस बात है तो डॉक्टर जो है प्रिकॉशंस लेंगे. बट आपको टेंशन लेने की अभी कोई बात नहीं है. आप प्लीज़ अपना वाटर इंटेक अच्छा रखिए. मैं हमेशा कहती हूँ क्रेट के लिए जो है वाटर इंटेक प्रॉपर आपका होना चाहिए और कोशिश क्या करिए, अभी आप पेन होंगे आपके स्टिचेस में थोड़े बहुत, लाइक 1 मंथ तो शायद थोड़े बहुत होंगे पेन. अपने रूम में ही वॉक करिए, आप अगर घर में आप ज़्यादा लोग नहीं हैं आपके तो आप घर में अपने वॉक करिए, बट कीप ऑन वॉकिंग, वॉकिंग पे ज़्यादा फोकस करिए. बैठे रहने से ज़्यादा अच्छा या तो आप लेटे रहो या तो वॉक करो. सो और अपनी डाइट जो है बिल्कुल क्लीन एंड हाइजीनिक रखना, घर का खाना हो. अभी एटलीस्ट 3 मंथ्स तक यही कोशिश करिए कि घर में ही बना आप ज़्यादा प्रेफर करें. सो इट विल बी बेटर फॉर यू. बाकी जो क्रिएटिनिन का ऊपर नीचे है आप अपनी तरफ से करो एंड रेस्ट लीव ऑन डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर्स के ही ऊपर है वो आपके मेडिकेशंस ये सारी चीज़ें जो हैं हो सकता है चेंज करें. बट क्रिएटिनिन का ज़्यादा हमें ट्राई नहीं करना चाहिए कि हमारी क्रिएटिनिन, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी आपको मिलेंगी, ये खा लो तो आपका क्रिएटिनिन कम हो जाए, वो खा लो तो आपका क्रिएटिनिन कम हो जाए. सो आई विल प्रिफर कि प्लीज़ अवॉइड दिस. जितना हो सके अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए, डॉक्टर से टच में रहिए और अपने वाटर कंटेंट प्रॉपर रखिए. सो अकॉर्डिंग टू मी आपको क्रिएटिनिन को लेके अभी इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट वेट फॉर फ्यू डेज, फिर तब तक अपना ख्याल जो है पूरी अच्छे से रखिए. सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है और अंकित जैरन का, उन्होंने लिखा है व्हाट इज़ द क्रिएटिनिन लेवल ऑफ योर डोनर बिफोर डोनेटिंग एंड टुडे. ओके, इनके 2 क्वेश्चन आ रखे हैं.
आई थिंक व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ अ डोनर एंड हु डोनेटेड. सो एक्चुअली आप क्या पूछना चाहते हो, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में आपने लिखा है कि उनका बिफोर डोनेशन के पहले जो है क्रिएटिनिन लेवल और डोनेशन के बाद जो है क्रिएटिनिन लेवल आप जानना चाहते हैं. तो अंकित मैं ये बोलूँगी कि डोनर जो है, मेरे डोनर जो है मेरे फादर इन लॉ है. एज आप लोगों को सबको पता है कि मेरे पेरेंट्स का ब्लड मैच नहीं किया था और मेरे इन लॉज फैमिली में मेरे ब्लड ग्रुप के अधिकतर लोग हैं. सो माय फादर इन लॉ डोनेटेड द किडनी और उनका जो है 0.9 आराम से था क्रिएटिनिन बिफोर ट्रांसप्लांट. हाँ, आफ्टर ट्रांसप्लांट जो है थोड़ा सा उनका क्रेट बढ़ा था, इट्स लाइक 1.2 हुआ था, बट इट वॉज रीसेंट लाइक एज अ टेम्प्ररी था एकदम से, क्योंकि जब ट्रांसप्लांट होके आया, सर्जरी होके आई थी उस टाइम ही का ये रिपोर्ट था. एंड डॉक्टर सेड दैट कि बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, वाटर का इनटेक प्रॉपर रखिए. एंड आफ्टर दैट अगेन हिज क्रेट वॉज बैक टू 0.9, सो इट इज़ द थिंग. सो डोनर की तरफ से बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, इट इज़ ईजी एंड देयर क्रेट इज नॉर्मल. सो हिज क्रेट इज नॉर्मल. सो यही था मेरे डोनर का क्रेट लेवल बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सिल्की महानी. प्लीज़ यूरिन आउटपुट के ऊपर वीडियो बनाइए कोल्ड एंड समर के ऊपर. श्योर सिल्की, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड अ वीडियो द यूरिन आउटपुट, क्योंकि बहुत सारे लोग का कन्फ्यूजन हो जाता है कि समर के टाइम में जो है यूरिन हमारा आउटपुट जो है काफ़ी कम होता है अगर हम विंटर से कंपेयर करें तो. आप सबको एक जनरल सी बात ये पता होगी कि समर टाइम में वैसे भी हम पानी कितना भी पीते हैं तब भी हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो जाती है, बिकॉज हम स्वेट भी करते हैं, पसीना आता है, और वैसे भी हमारा एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होता है इसके रीज़न से. तो मेनली ये हो जाता है समर टाइम में, इसीलिए हमारा यूरिन आउटपुट जो है थोड़ा सा कम हो जाता है. तो मैं कोशिश करूँगी वैसे कि यूरिन आउटपुट के ऊपर वीडियो मैं बना सकूँ इस पर. सो थैंक यू अगेन सिल्की. वेल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर वीजा एक्सपर्ट. ही आस्किंग दैट स्टंट रिमूवल के बाद रिकवरी कब तक होती है. तो मैंने इनको वैसे रिप्लाई किया हुआ है, बट अगेन आई विल से दैट वीज़ा स्टंट रिमूवल के बाद रिकवरी का कोई वो नहीं है, क्योंकि स्टंट रिमूवल गर्ल्स में जो है बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होते हैं. हाँ, बॉयज़ में थोड़े पेनफुल होते हैं. तो इट्स नॉट लाइक कि रिकवरी कब तक होती है, वो कोई सर्जरी नहीं होता जिसमें आपको रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है. स्टंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर दर्द भी होता है तो एक दिन आप लेके चलो, उसके बाद से आप बिल्कुल नॉर्मल हो. आई मीन जैसे ट्रांसप्लांट के बाद हम होते हैं वैसे ही हैं. तो इट्स नॉट लाइक स्टंट रिमूवल के टाइम जो है हमें बहुत ज़्यादा यू नो सर्जरी की तरह ही सारी चीज़ें होती हैं, हालांकि वो चीज़ें ओटी में होती हैं, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बना रखा है. तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी, आप जाके वहाँ देख सकते हैं. तो रिकवरी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए. हाँ, वो एडमिशन ज़रूर करते हैं आपका हाफ डे का, ताकि कभी कभी होता है कि स्टंट रिमूव के बाद यूरिन में ब्लड आने लगता है, तो ऐसे में वो मेडिकेशंस करते हैं कुछ दिन, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है. तो ये देखने के लिए कि कहीं अगर आपकी यूरिन में ब्लड आ रहा है या फिर आपका यूरिन क्लियर है, उसके लिए जो है वो हाफ डे का बस आपको एडमिट करते हैं. तो वैसे ये स्टंट में सबका होता है, तो मैं भी हाफ डे के लिए ही एडमिट हुई थी. एंड आपको बाद उसको आपको यूरिन पास करना होता है. यूरिन आप जब पास करते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि वाज देयर एनी ब्लड और नॉट, तो आपको पूरा डिटेल देना पड़ता है उन्हें, और उसके बाद से जो है आप डिस्चार्ज मिल जाती है. वो कुछ मेडिकेशंस देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, दो से तीन दिन चलते हैं, उसके बाद से आप नॉर्मल हो. तो इसमें रिकवरी का कोई ऐसा चीज़ नहीं है. सो प्लीज़ आप मेरे उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, फिर आपको डिटेल में सारी चीज़ें और ज्यादा पता चल जाएंगी. सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ लाइक हे दीदी संदीप दुबे. ही सेड दैट हे दीदी आपका मेडिसिन का कितने में आता है पर मंथ. वेल संदीप, मैंने इसके ऊपर अभी वीडियो भी अपलोड किया हुआ था मेडिकेशंस को लेके,
और मैंने स्पेशली बताया था कि मेडिकेशंस जो है हर किसी का अलग अलग होता है। हालांकि जब हमारा तुरंत ट्रांसप्लांट होता है उस टाइम मेडिकेशंस लगभग सबके 25,000 तक तो आते ही आते हैं या फिर 20 to 25 आते हैं। उसके बाद से जो है हमारी कंडीशन के ऊपर होती हैं, कितने लोगों को जैसे अलग अलग प्रॉब्लम होने लगती है कभी कभी, तो उसके बाद मेडिकेशन चलने लगती हैं। कितने होते हैं बिल्कुल रिकवर्ड हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, तो बस उनके 3 से 4 मेडिकेशंस होते हैं तो अमाउंट कम होने लगते हैं। तो ये सारी और वेल कितने किन लोगों ने मुझे कमेंट में बताया था कि उनके मेडिकेशंस फ्री हैं, तो इट इज़ रियली सरप्राइज थिंग कि मेडिकेशंस वो भी इम्यूनोसप्रेसेंट्स मेडिकेशंस फ्री में आते हैं, तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी तक तो मैंने अभी नहीं सुना किसी का कि मेडिकेशन फ्री में आते हैं। हाँ, जिन लोगों के बहुत साल हो गए हैं ट्रांसप्लांट के, इट्स लाइक 5 to 6 ईयर्स भी हो गए हैं, तो उनके मेडिकेशंस और भी ज़्यादा कम आने लगे हैं, लाइक 5,000 तक, कितने लोगों को 7,000 तक ऐसे आते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप अच्छे से हो, आप हेल्दी हो, तो आप ऑब्वियसली बात है आपके मेडिकेशंस जो हैं कम होने लगते हैं। सो आई थिंक संदीप आप को अच्छा जवाब, आपने मेरे जवाब से सेटिस्फाइड हो गए। सो नाउ अगेन सिल्की मैनानी, इनका क्वेश्चन था कि मैम ट्रांसप्लांट के बाद से फिजिकल लाइफ कब से स्टार्ट करनी है आपके हस्बैंड के साथ, डॉक्टर ने कुछ बताया है इसके लिए आपको प्लीज। सो सिल्की, आई नो ये क्वेश्चन जो है मेरे पे 3 से 4 बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस कि हम जो है फिजिकल लाइफ कब से स्टार्ट करें ट्रांसप्लांट के बाद, क्या आपके डॉक्टर ने अभी तक आपको कुछ बताया या नहीं बताया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट जिन लोगों ने भी क्वेश्चन पूछा अभी, तो मैंने ये सिल्की ने पूछा है, इससे पहले भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड, तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि फिजिकल लाइफ यहाँ पे है, पहले अपनी आप जो लाइफ है बिना ट्रांसप्लांट लाइफ इसकी थोड़ी सी फिक्र करो, अपनी बॉडी को टाइम दो रिकवर होने के लिए। हमें लगता है कि हाँ इट्स इजी, तो हम रिकवर हो गए एंड वी कैन स्टार्ट। तो डॉक्टर्स, मैं अपने अभी तक अपने डॉक्टर से एटलीस्ट इस चीज़ के बारे में नहीं पूछा है, क्योंकि अभी जो है मैं खुद को बहुत टाइम दे रही हूँ एंड यू नो बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग पूछते हैं ऐसे कि हम कब से स्टार्ट करें क्या करें। ऑब्वियसली बात है हर कपल जो है, जो इवन न्यूली मैरिड भी हैं, तो उन लोग का ऐसे क्वेश्चन रहता है। तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जो होता है, जब आपको लगे कि आप रिकवर्ड हो चुके हो, बट एटलीस्ट गिव अ पीरियड ऑफ 3 to 4 मंथ्स आई विल से, क्योंकि 3 से 4 मंथ हमें जो इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, एंड आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर इट। आपको लग रहा है कि आप फिट हो उसके लिए तो आप ज़रूर जाओ, बट प्लीज़ डू फॉलो ऑल द प्रिकॉशन, हाइजीन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन आपको कहीं से भी हो सकता है, तो इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा बच के रहना है। तो इस चीज़ में मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट नहीं किया है कि क्या है क्या नहीं है, सो मेरी नॉलेज में इतना ही है, इसलिए मैं आप सबको ये बता रही हूँ कि उसके लिए भी पूरा प्रॉपर हाइजीन को आपको फॉलो करना ही है जब से भी आप अपनी फिजिकल लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस थे, और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, मैं कोशिश करूँगी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कर ब्लॉग जल्दी अपलोड करूँ, और जिसमें अगेन मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगी जिनके डिटेल में मैं आप सबको उसके आंसर्स दूँगी। सो ऑलवेज थैंक यू अगेन एंड अगेन फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स गाइज एंड मोटिवेटिंग मी, ऐसे ही मोटिवेट करती रहिए ताकि मैं आप लोगों के सामने जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ किडनी से रिलेटेड, और एज अ रेसिपेंट मैं शेयर करती रहूँ ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो, क्योंकि एक्सपीरियंस का भी जो है इन्फॉर्मेशन जब हमें मिलती है ना, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के लिए हेल्पफुल रहती हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, बाय बाय एंड प्लीज डू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो सी यू इन द माय नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।